देख रहे हैं आप, मैं उज्जैन आपके साथ। और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड की उपराजधानी दुमका की धरती से सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरुआत की है। 58 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके तहत साल में 2 बार जरूरतमंदों को 10-10 रुपए में धोती साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए किस तरह से झारखंड की उन तमाम जनता के लिए, झारखंड के उन तमाम लोगों के लिए जो पिछड़े हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ऐसा कई बार देखा जाता है, कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें तन ढकने को उनके पास कपड़े तक नहीं है। तो इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की उप राजधानी दुमका से सोना सोबरन योजना की शुरुआत की। और निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी झारखंड की इसका लाभान्वित, ये जो परिवार है झारखंड में रहने वाले, इन्हें इसका फायदा आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। झारखंड में गरीबों को 10-10 रुपए में मिलेंगे धोती साड़ी लुंगी। साल में 2 बार मिलेगी धोती साड़ी या लुंगी। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका से की शुरुआत। राज्य के 58 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। पीडीएस की दुकान से साल में 2 बार मिलेगी धोती साड़ी या लुंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की उपराजधानी दुमका की धरती से राज्यवासियों के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की है। एक बार फिर राज्य के गरीबों को साल में 2 बार धोती साड़ी या लुंगी 10-10 रुपए में मिलेंगे। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में झाबुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि 58 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। वहीं दुमका जिले में 2 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार ने धोती साड़ी लुंगी योजना के लिए 500 करोड़ के बजट का वित्तीय प्रावधान किया है। सीएम ने कई अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जनता के साथ खड़ी है। यह साल नौकरी का साल है और राज्य सरकार हर हाल में लागू करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि हर जिले में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, जिससे गरीब बच्चों को लाभ मिलेगा। रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाने का निर्देश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिशोम गुरु के साथ गुजारे दिन को याद किया और आज की योजना उद्घाटन को ऐतिहासिक बताया। साथ ही पूर्व की रघुवर सरकार पर योजना को बंद करने का आरोप लगाया। ये सोच है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, जो पहले भी किया, बाद में आने वाले सरकार को खत्म कर दिया था। जब मुझसे कहा कि योजना को क्यों शुरू करें, तो उनका एकदम अफसोस नहीं है। गरीबों को पेट को भर रहे हैं अन्न दे करके हम, लेकिन तन नहीं ढक पा रहे हैं हम वस्त्र देकर। हमें वस्त्र भी देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री की सहमति से इस योजना को हम लोगों ने शुरू किया। इस कार्यक्रम में मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक बसंत सोरेन समेत कई अन्य विधायक मौजूद रहे। इस दौरान युवा कलाकार सुजीत बास्की ने मुख्यमंत्री के दादा दादी की तस्वीर मुख्यमंत्री को समर्पित की।
साल 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत दुमका से ही की थी। साल 2015 में रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब हेमंत सरकार आई तो इसे फिर से रीलॉन्च किया गया है। योजना के तहत एक साड़ी और एक लुंगी या धोती 10 रुपए में पीडीएस की दुकान से साल में दो बार मिलेगी। न्यूज 11 भारत के लिए दुमका से मनीष के साथ राकेश की रिपोर्ट। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी मनीष के, हमारे साथ देवघर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष देखिए, 58 लाख परिवार इसे लाभान्वित होने वाला है सोना सोबरन योजना की तहत। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लाया और बड़ी आबादी से आने वाले वक्त में जिनका इनका फायदा लोगों को मिलने वाला है। निश्चित तौर पर किसान और इसको लेकर के सरकार ने दावा किया है। जो मुखिया हेमंत सोरेन ने इस बात पे जोर देकर के कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में, कह सकते हैं पर्याप्त धन है इस योजना को लागू करने के लिए। क्योंकि सवाल लाजमी था उठना कि जब आप 57 लाख अगर लाभुकों के बीच इस तरह से आप साड़ी और धोती अथवा लुंगी आप जब वितरित करेंगे साल में दो बार, निश्चित तौर पर बजट ज्यादा होगा। तो शायद यही वजह थी कि मुखिया ने सीधे तौर पर मंच से इस बात को कहा कि राज्य सरकार इस योजना के बजट 500 करोड़ रुपया है और सरकार के पास पैसा है, यानी कि पैसे की कमी नहीं होगी इस योजना को लागू करने में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, झारखंड में जो पिछड़ापन रहा है, खासकर के आदिवासी क्षेत्रों में जो मूल वासी यहाँ के, उनके इलाकों में जब आप गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, और नग्न दिखेंगे या उनके कपड़े कम होते हैं या फिर मैलों को चले होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो योजना है उनके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जिसान जी बिल्कुल, और मनीष देखिए, लगभग 35 से 40 मिनट तक मुख्यमंत्री ने जी बोलिए बोलिए मनीष। आप जी सर, आप सवाल करें। देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री ने 35 से 40 मिनट तक लगभग उन्होंने संबोधित किया सभा को, क्योंकि उनके पहले सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्री ने ही संबोधित किया, उसके बाद सीधे सभी के बयानों को संबोधन को कटेल कर दिया गया। चूंकि वक्त भी कम था, मौसम का मिजाज भी बदला हुआ था, यही वजह है कि सीधे मुख्यमंत्री को थमाया गया माइक और उन्हें बोलना संबोधन शुरू किया। और उस पूरे 35 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की, खास करके विशेष उन्होंने बल दिया था रोजगार सृजन को लेकर के, और उसमें मुख्य बात उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि की बात की थी, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि युवाओं से अपील की थी कि वो आगे आए और सरकार की जो योजनाएं राज्य सरकार की जो चल रही हैं, खास करके डेयरी में, मुर्गी पालन में, सुअर पालन में, इनमें वो आए और आगे बढ़कर के हिस्सा भागीदारी ले और उनका जो उत्पाद होगा वो राज्य सरकार ही खरीद लेगा। उसका उदाहरण उन्होंने अंडा, क्योंकि स्कूली बच्चों को जो दिया जाएगा अंडा सप्ताह में 6 दिनों तक, तो उसकी खपत बढ़ी है और राज्य सरकार अब तक दूसरे राज्यों पर निर्भर रही है, लेकिन अगर वो इसका उत्पादन करेंगे तो राज्य सरकार उनको खरीद लेगी। दूसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के ऊपर साफ साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नियुक्तियां बंद कर दी गई थी, सरकारी परीक्षाएं नहीं ली जा रही थी, जिसमें उन्होंने जेपीएससी का उदाहरण दिया और कहा कि ऐसे में दूसरे राज्यों को आउटसोर्सिंग करके उनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई, लेकिन ये जो सरकार है नियमों में ढिलाई करेगी, नियमों में बदलाव लाएगी और बदलाव ला करके जो स्थानीय युवा है, जो यहाँ के हैं बेरोजगार, उनको ही सरकारी नौकरियों में जगह दिया जाएगा। ये बड़ी बात है। उन्होंने जेपीएससी को लेकर साफ तौर पर कहा कि देखिए, जेपीएससी में हमने बदलाव लाया, एग्जामिनेशन भी किया और आप 2 दिन पहले भी देखा गया है कि उसके जो क्वेश्चन है उसको भी रिलीज कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर इन सारी बातों को उन्होंने जोर दे के कहा। और सबसे बड़ी अहम बात है कि उन्होंने साफ तौर पर खुले मन से उन्होंने सरकारी अधिकारियों से अपील की कि काइंडली जो लोग ग्रामीण इलाका से आते हैं उनको योजनाओं की जानकारी आप साफ साफ तौर पर दें ताकि उनका लाभ उन्हें मिल सके। जी सर मनीष, कोरोना काल में दूसरी लहर के बाद जिस तरह से झारखंड में भी असर देखने को मिला, सरकार अब चाहती है, हालात जिस तरह से काबू में हुए हैं तो विकास की वो तमाम योजनाएं सरकार चाहती है कि वो प्लेटफॉर्म पर आए और विकास झारखंड में दिखे। सरकार कृत संकल्पित है, कोई भूखा झारखंड में ना रहे, लोगों को कपड़े मिल सके, लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। तो सरकार का जो विजन है मनीष, वो बहुत ही क्लियर है। निश्चित तौर पर देखिए, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि कोरोना वैश्विक महामारी से कोरोना झारखंड भी नहीं उससे छूता रहा, वो भी चपेटे में आया, लेकिन उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम इस पर काबू पा लिए हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि आप थोड़े आगाह रहे हैं, हम धीरे धीरे चीजों को देखते हुए ढिलाई दे रहे हैं और धीरे धीरे उन चीजों को खोल रहे हैं जो अब तक क्षेत्र बंद था। खासकर उन्होंने स्कूल के बारे में उन्होंने कहा, चर्चा भी की, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सबको खोलेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब जो विकास की जो रफ्तार है वो तेज पकड़ेगी, क्योंकि कोरोना बहुत बड़ा कारण है। और आज इस साड़ी योजना के अलावे 125 ऐसी योजनाएं थी, शिलान्यास था उनका, वहां पर उद्घाटन किया गया, शिलान्यास हुआ, जिसमें
डिग्री कॉलेज भी है, आपका मॉडल कॉलेज है, उसी में उन्होंने कहा कि राज्य भर में हर जिला में अब मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, उन स्कूलों में इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब उनका साफ कहना था कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने से मरहूम हो जाते हैं वो अब नहीं रहेंगे। दूसरी बात, उन्होंने मसान जोर के आसपास, चूंकि वहां से सिंचाई का क्षेत्र नहीं होता है, वो पानी बंगाल चला जाता है। हालांकि उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि बंगाल चला जाता, लेकिन उन्होंने माना कि सिंचाई जो है मसान जोर इलाका जो है मसलिया और आसपास के इलाके हैं, अब उसको भी आने वाले एक दो साल के अंदर सिंचाई से जोड़ दिया जाए ताकि मसान जोर से जो जल है उसका इस्तेमाल सिंचाई में किया जा सके। इसके अलावा कई पुल पुलिया का भी आज उद्घाटन किया गया, और खास बात यह है कि स्वैब टेस्ट जो कि रांची में होता था उसका भी आज उद्घाटन किया गया दुमका में किया गया। निश्चित तौर पर इन सारी योजनाओं जो थी जिनमें की 125 शिलान्यास की बात थी और 8 का उद्घाटन आज हुआ, कई भवन भी उसमें शामिल है, तो निश्चित तौर पर मंच से और आज के कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार के मुखिया ने यह साफ कह दिया कि कोरोना काल जो था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके संक्रमण से उसके कारण जो भी बाधाएं हुई अब उसे हम दूर कर रहे हैं और उससे हम रिकवर हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में राज्य सरकार राज्य में रोजगार विकास की रफ्तार को पकड़ेगी। हम ये कह सकते हैं कि अब हम रिकवरी होने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार ने आज के कार्यक्रम से यह ऐलान कर दिया कि सरकार अब पीछे मुड़कर देखने नहीं वाली है, कोरोना पर हम काबू पा रहे हैं और विकास की जो तमाम योजनाएं उसे लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, उसी कृत संकल्पित होकर वो तमाम योजना, और इसी की एक वानगी दुमका में देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। साल में दो बार मिलेगी धोती साड़ी या लुंगी महज 10 रुपए में। सोना सोबरम सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।